वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर के असरात। पंजाब के वजीर जंगली हयात असद खोखर ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। असद खोखर पर ब्यूरोक्रेट से मिलकर मुबैना करप्शन के इल्जाम थे। रिंग रोड फेज 3 के मंसूबे में रुकावट डाली। फारिग होने वाले कमिश्नर बिलाल लोधी को भी असद खोखर ने सिफारिश करके लगाया था। असद खोखर ने बनीगाला में वजीर आजम से मिलने की कोशिश की थी। साबिक वजीर ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब की कोई कारकर्दगी नहीं। दो साल में उस्मान बुज़दार ने एक ईंट तक नहीं लगाई। शहबाज शरीफ के कायदे आजम अप्रैल पार्क मंसूबे को उस्मान बुज़दार का विजन करार देकर ढोंग रचाया गया। आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वफाकी काबीना में दोहरी शहरियत वालों की मौजूदगी सिक्योरिटी रिस्क है। वज़ीर-ए-आज़म नियाज़ी ने हर इशू की तरह इस मामले पर भी यूटर्न लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का रद्द अमल, कहते हैं आइन दोहरी शहरियत वालों को काबीना का हिस्सा बनने की इजाजत नहीं देता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। शहबाज शरीफ का यौम इहलाक पाकिस्तान भर कश्मीरियों को खिराज तहसीन। बयान में कहा कश्मीर की आजादी और भारत की शिकस्त नौशता दीवार है। कश्मीरियों और पाकिस्तान की मंजिल एक है। पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना रहेगा। पंजाब के कई इलाकों में बादलों के डेरे। लाहौर भेरा मंडी बहाउद्दीन फालिया गुजरात वजीराबाद काले की मंडी हाफिजाबाद समेत कई इलाकों में बारिश। रावलपिंडी और मानसहरा पर पख्तूनख्वा के कई इलाकों बादल बरस पड़े।